दोस्तों आज का जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मारुति की ब्रेजा के साथ में, क्योंकि मारुति की जो ब्रेजा है ये मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी है सीएनजी लगवाने को लेकर। ब्रेजा की जब हम बात करते हैं तो ये मारुति का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वेरिएंट रहा है। 2020-21 के अंदर जो ब्रेजा आती थी और आज की डेट में जो ब्रेजा आती है कंपनी ने उसमें कुछ चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टर्स का, और थोड़ा बहुत इन्होंने अपने जो लुक को चेंज किया है। तो फिलहाल जो ब्रेजा मेरे पास खड़ी है ये है प्रॉपर 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी, जिसमें पेट्रोल पे इसमें 8 इंजेक्टर्स निकल के आते हैं। तो हम जब हमारे पास कस्टमर फ़ोन करते हैं कि ब्रेजा के अंदर किट लगवानी है तो बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको अगर ब्रेजा में किट लगवानी है तो मीज़ो लोवेटो इनके अप्रूवल्स हैं, आप 4 इंजेक्टर के साथ भी जा सकते हैं और 8 इंजेक्टर के साथ भी जा सकते हैं। हमने कस्टमर को मीज़ो के अंदर भी 8 इंजेक्टर आते हैं और लोवेटो के अंदर भी 8 इंजेक्टर आते हैं, और 4 इंजेक्टर वाली किट भी इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है। फिलहाल ये जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के अंदर कस्टमर ने लोवेटो को चूज़ किया और लोवेटो के अंदर ये मॉडल जो है हमारा सबसे हाई एंड मॉडल है। इसके अंदर प्रॉपर 8 इंजेक्टर्स निकलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये लोवेटो का COBD2 वेरिएंट है, जो कि दो आते हैं COBD के अंदर, एक 4 इंजेक्टर के साथ में और एक 8 इंजेक्टर के साथ में। यहाँ पर रिड्यूसर जो है ये डबल स्टेज है, क्योंकि 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी के अंदर डबल स्टेज रिड्यूसर निकलता है। पीछे की तरफ जो ECM दिया हुआ है ये ECM जो है प्रॉपर 8 सिलेंडर वाला ECM है और इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकाल के देता है। गैस फिलिंग का वॉल्व हमने यहाँ राइट साइड में डाला हुआ है, यहाँ से आप इजीली गैस फिल करा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंजेक्टर्स की तो आप पीछे की तरफ देखिएगा, इसमें प्रॉपर 8 इंजेक्टर्स हैं। जितनी भी वायरिंग आपको दिखाई दे रही है एक एक वायरिंग पर सोल्डिंग होने वाली है। वायरिंग में सोल्डिंग करने से इन फ्यूचर में कभी भी कार्बन की समस्या नहीं आएगी। पीछे की तरफ 8 इंजेक्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। अभी गाड़ी के अंदर CNG का काम अभी चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये ब्रेजा हम लगाएंगे इसमें 4 घंटे CNG लगाने के अंदर, क्योंकि 8 इंजेक्टर वाली जो गाड़ी है इसके अंदर प्रॉपर टाइम लगता है। ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो सभी गाड़ियों के अंदर CNG किट लगाई जाती है। अगर बैक साइड से बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं 12 किलो का सिलेंडर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। स्पेस बहुत अच्छा खासा निकल के आता है ब्रेजा गाड़ी के अंदर। और कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, BS6 है, BS4 है, सभी गाड़ियों को मैं कवर करने वाला हूँ। फिलहाल टाटा की जो गाड़ी है टियागो, ये BS6 में भी अप्रूवल आ चुका है, BS4 में भी। यहाँ पर हम BS4 गाड़ी के अंदर जो है मीज़ो की गोल्ड वेरियंट इसमें लगाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रैंड आइटन, जो कि BS4 गाड़ी है। अब जो गाड़ी आती है BS6 के अंदर वो नियोस के नाम से आती है, इसके अंदर हम मीज़ो का अपर वेरिएंट लगा रहे हैं, क्योंकि मीज़ो के अंदर भी कम से कम 3 से 4 वेरिएंट आते हैं। यहाँ पर हम OBD2 वाला वेरिएंट लगा रहे हैं, जिसके अंदर ECM जो है 48 पिन का इटली से इम्पोर्ट किया हुआ ECM है। अगर हम बात करते हैं और कुछ गाड़ियों की तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वेन्यू खड़ी हुई है। वेन्यू जो गाड़ी है ये BS6 में फेज़ 1 और फेज़ 2 सभी में अप्रूवल आ चुका है। आप इसमें कोई भी किट लगवा सकते हैं, मीज़ो या लोवेटो कोई भी आप इसमें इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ गाड़ियों की, जैसे कि ये होंडा अमेज गाड़ी है, होंडा अमेज BS6 के अंदर मेरे पास शोरूम से भी गाड़ियाँ आती हैं और शोरूम वाले उसमें लोवेटो लगाते हैं, बट ये इस गाड़ी के अंदर हमने जो किट इंस्टॉल की है वो मीज़ो की इंस्टॉल की है। और मीज़ो के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वेरिएंट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आप फिनिशिंग देखेंगे तो आपको एकदम बहुत शानदार फिनिशिंग के साथ में काम हुआ है। जितनी भी वायरिंग है सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। जो किट का पार्ट नहीं है वो है इसका एडवांसर, इसमें नॉर्मल एडवांसर भी लगा सकते थे बट कस्टमर की चॉइस पे हमने इसमें ओरिजिनल इटली का पांडा लगाया है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, यानी कि आप इस एडवांसर को नॉर्मली सेट नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर से सेट करना होगा। अगर हम बात करते हैं बैक साइड की तो इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया 12 किलो का सिलेंडर और 12 किलो में गैस जो आती है करीबन आती है 8-8.5 किलो। बूट स्पेस आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बूट स्पेस निकल के आता है, लीकेज प्रॉपर अभी चेक हो रही है, प्रॉपर डक्टिंग वाला काम इसमें किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ और गाड़ियां हैं जिनका मैं फीडबैक दूंगा आपको। ये गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी शायद हो चुकी है और ये सबसे अच्छी बात है कि ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है। बहुत सारे कस्टमर्स का ये मानना है कि ऑटोमेटिक के अंदर CNG किट लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। इंस्टॉलेशन हो चुका है, गैस भर के आ चुकी है, कैलिब्रेशन भी इसमें कंप्लीट हो चुका है। स्विच देखिएगा आप, इतना बढ़िया स्विच लगा हुआ है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कंपनी से CNG किट लग के आती है। और कस्टमर ने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी कर ली है तो पूछेंगे कस्टमर से गाड़ी का फीडबैक कैसा है। सर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ली आपने, कैसी चल रही गाड़ी? तो इस कार के ओनर मेरे साथ ही खड़े हुए हैं और ये मेरे पास आए थे तो उन्होंने बोला कि जो आपका दिल करे उसको लगा दो, लोवेटो लगानी लोवेटो लगा दो, मीज़ो लगानी मीज़ो लगा दो। हमने इसमें मीज़ो का टॉप एंड वेरिएंट चूज़ किया है और आज इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ऑटोमेटिक है, 4 से 5 किलोमीटर तो टेस्ट ड्राइव ली होगी। और ऑटोमेटिक के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स के माइंड में मिथ होता है कि शायद इस गाड़ी में CNG लगेगी या नहीं लगेगी। सर आपके साथ भी यही था? हाँ मेरे साथ भी यही मिथ था, लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, हाँ मुझे भी यही डाउट था। चल रही गाड़ी आपकी? गाड़ी वैसी ही है, कोई फ़र्क नहीं आता है। लोग कहते हैं कि भाई फ़र्क आता है,
पिकअप भी मुझे वैसा ही लग रहा है ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। देखो ऑटोमेटिक में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि माइलेज बिल्कुल निकल के नहीं आती है, बट इस गाड़ी के अंदर सीएनजी पे बहुत अच्छा माइलेज निकल के आने वाला है। सिटी के अंदर 17-18 हाईवे पे 24-25 का आराम से गाड़ी दे सकती है। इसके अलावा और गाड़ियां जैसी खड़ी है टाटा की टियागो, ये है BS4 गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर हम लगा रहे हैं मीज़ो, और मीज़ो का जो वेरियंट है बहुत अमेजिंग वेरियंट इसमें लगाने वाले हैं OBD2, जैसा कि मैंने आपको बताया था BS4 के अंदर। यहाँ जो ECM चूज़ किया वो 48 पिन का ओरिजिनल इटालियन ECM यूज़ किया है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकल के आती है। ये गाड़ी है होंडा सिटी BS4, और होंडा सिटी के अंदर सबसे शानदार CNG चलती है क्योंकि गाड़ी अपने आप में बहुत शानदार है। इस गाड़ी के अंदर भी हम जो किट चूज़ कर रहे हैं वो मीज़ो का गोल्ड वेरिएंट चूज़ कर रहे हैं, जिसकी फिटिंग अभी मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक कूलेंट के कनेक्शंस किए हुए हैं, कूलेंट के कनेक्शंस करने से कहीं ना कहीं गाड़ी की परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। वैसे भी सर्दियों का टाइम आने वाला है और सर्दियों के अंदर कूलेंट के कनेक्शन तो बहुत ज़रूरी आते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है बिल्कुल न्यू ब्रांड i20। आप यहाँ पर मेरी इस वीडियो में देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि हम बहुत सारी गाड़ियों में 4 इंजेक्टर वाली किट लगा रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों में हम 8 इंजेक्टर वाली किट लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस गाड़ी के अंदर 8 इंजेक्टर का किट इंस्टॉल किया जा रहा है। मीज़ो एक ऐसा ब्रांड है जो 4 इंजेक्टर, 3 इंजेक्टर, 8 इंजेक्टर कोई भी इसके अंदर आप लगवा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सी है। बहुत सारे कस्टमर्स हमें BS4 के अंदर बोल देते हैं कि क्या 8 इंजेक्टर वाली किट लग पाएगी, बट इस गाड़ी के अंदर आपको 8 इंजेक्टर वाली किट लगेगी क्योंकि ये गाड़ी पीछे से 8 इंजेक्टर में आ रही है। अभी फिलहाल जो गाड़ियों में काम हो रहा है मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है, सिलेंडर कौन सा लगेगा। जैसे कि i20 की बात करते हैं, इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया 12 किलो का सिलेंडर और 12 किलो में जो गैस आएगी वो करीबन 8-8.5 किलो। आप देखिएगा फ्रेमिंग कितनी ज़बरदस्त की है, क्योंकि जो स्टैंड है वो भी बहुत मैटर करता है कि अच्छा स्टैंड लगेगा कि गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी अच्छा निकल के आएगा। इसके अलावा और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो गैस भरने के लिए गई हुई हैं। मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कौन कौन सी गाड़ियों में काम कर रहे हैं, कैसा फीडबैक आता है, सो दैट अगर आपके पास कोई गाड़ी है BS4 या BS6 तो आप इजीली उसमें डिसीजन ले पाएं। ये है अपनी मारुति की ब्रेजा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेजा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस गाड़ी के अंदर CNG लगे हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं 10 से 12 दिन। आज ही हमने RC वाला काम कराने के लिए आए हैं, बिकॉज न्यू ब्रांड गाड़ी में किट लगवाई थी, उस टाइम पर RC नहीं आई थी, आज ये RC हमें सबमिट कर रहे हैं। एक छोटा सा फीडबैक लेके देखते हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही है, इस गाड़ी में कौन सी किट लगाई है, सिलेंडर कितना बड़ा लगाया है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो मुझे याद है हमने इसमें लगाई थी मीज़ो, और मीज़ो अपने आप में एक इंडियन ब्रांड है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकल के आती है। और सिलेंडर जो लगाया है इसमें लगाया बड़ा वाला सिलेंडर 14 kg का, मैं दोनों तरफ दिखाऊंगा 14 kg में कितना बूट स्पेस है और उधर जो लगाया 12 किलो में उसमें कितना बूट स्पेस है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स का बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि 12 लगवाना चाहिए 14 लगवाना चाहिए। फिटमेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, 8 इंजेक्टर्स की प्रॉपर हमने किट लगाई है इसके अंदर, 4x8 भी लगा सकते हैं, यानी कि 4 इंजेक्टर्स भी लगा सकते हैं और 8 इंजेक्टर्स भी, बट कस्टमर ने नई गाड़ी थी तो उसमें 8 इंजेक्टर्स चूज़ किए। पीछे की तरफ मीज़ो देख सकते हैं प्रॉपर 8 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। डबल स्टेज रिड्यूसर है और मोटोजन कंपनी की किट इसमें लगी हुई है, बड़ा ECM लगाया हुआ है। अभी फ़िलहाल नई गाड़ी में हमने कोई एडवांसर इसमें नहीं लगाया हुआ है, और सबसे मेन चीज़ है हैवी गाड़ी है, इसका माइलेज पेट्रोल पे वो बहुत अच्छा नहीं आता। इसे मारुति की गाड़ियों का बोला जाता है कि बहुत शानदार माइलेज निकल के आता है, इसका माइलेज जो है पेट्रोल पे करीबन सिटी के अंदर आपका 12 का और हाईवे पे आपका 17-18 का निकाल के देती है। देखते हैं CNG पे क्या इसका फीडबैक है। आप देख सकते हैं बूट स्पेस बड़ा सिलेंडर है, करीबन गैस आती है 9 किलो तक और 12 किलो में आती है 8-8.5 किलो। स्टैंड की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, स्टेपनी अपनी बिल्कुल नीचे की तरफ इंटैक्ट है, और इस कार के ओनर से पूछेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी में किट लगाई थी और माइलेज कैसी निकल के आ रही है। सर इजी ड्राइव सर इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। सर आपने बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी ली थी और न्यू ब्रांड गाड़ी में नंबर भी नहीं आया था और आपने CNG किट लगवा ली इसके अंदर, वही लगवाई है, परफॉर्मेंस अमेजिंग, माइलेज अमेजिंग, क्या माइलेज क्या निकल गया हाईवे पे 24 और शहर में अभी 19-20 की आई है, 18-19 की तो है ये कंफर्टेबल। थोड़ा सा ये है कि पहले सर के पास इग्निस गाड़ी थी और इग्निस का माइलेज थोड़ा ज्यादा है, इग्निस का ज्यादा थोड़ा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो फर्क है इंजन का, बहुत फर्क है। 25-30% माइलेज डिफरेंस है बिटवीन इग्निस एंड ब्रेजा।
25-30% का एब्सोल्यूट फर्क है। अब मे भी हो सकता है इसके अभी सेकंड थर्ड सर्विस होगी तो उसके बाद शायद एक आध दो किलोमीटर की इसकी एवरेज और इंक्रीज हो जाए, बट बाकी यस इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि माइलेज बहुत शानदार निकल के आ रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि अंदर ब्रेजा गाड़ी खड़ी है, दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर लगाया हमने मीजो मोटोजन, उसके अंदर हम लगा रहे हैं लोवेटो, जो कि अपने आप में खैर नाम की बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और फिलहाल अगर गाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है वेन्यू, वेन्यू के अंदर मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, कितना बूट स्पेस उसमें निकल के आ रहा है। वेन्यू गाड़ी के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस निकल के आया है, बहुत बढ़िया इसमें जगह बची है वेन्यू गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाटा की टियागो के अंदर सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, i20 में सीएनजी किट लग चुकी है, होंडा सिटी के अंदर सीएनजी किट लग चुकी है, इन सभी के सभी गाड़ियों में कैलिब्रेशन का काम भी चालू हो चुका है। कैलिब्रेशन के बाद देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। यहाँ पर जो है हुंडई के i20 में कंप्लीट काम होने के बाद पूछते हैं कस्टमर से परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है, क्या फीडबैक है, कैसी कैलिब्रेशन, ठीक चल रही गाड़ी, मस्त एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। दोस्तों फाइनली हुंडई की i20 के अंदर जो कस्टमर है काफ़ी खुश हैं। होंडा सिटी गाड़ी जो है इसका लीकेज चेक होने के बाद इसकी भी कैलिब्रेशन चालू होने वाली है। कैलिब्रेशन तभी अच्छी होती है अगर गाड़ी के अंदर फिटिंग अच्छी होगी, और फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो कैलिब्रेशन में भी मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है टाटा की टियागो, ये फाइनल स्टेज में खड़ी हुई है, सिलेंडर काम चालू होने वाला है इसका। हुंडई कंप्लीट हो चुकी है, हुंडई के अंदर भी सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन होने के बाद कस्टमर से फीडबैक हम ले चुके हैं। इन सभी की सभी गाड़ियों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। होंडा सिटी वाले कस्टमर से भी पूछेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। सर क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का? ठीक है, अभी तो सही चल रही है, बड़े चल रही है। तो दोस्तों सारे कस्टमर्स काफ़ी खुश हैं, तो आप भी इजी ड्राइव के साथ मिलकर अपनी ड्राइव कीजिए।